हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की एक्सरसाइज 15.1 का सेकंड क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने किया था इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें दिया हुआ है हमें ईयर्स, और जो वर्टिकल लाइन है इस पे हमें दिया हुआ है सेल्स इन रुपीस करोड़, मींस किसी कंपनी की सेल्स दी हुई है ईयर वाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वर द सेल्स इन 2002। फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है कि 2002 में जो कंपनी है उसने कितनी सेल्स की। तो 2002 हमारे पास यहाँ पे है, तो इससे यहाँ पे ऊपर जाएंगे और फिर इस साइड जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 4, मीन जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया हमारे पास 4 करोड़। मीन्स 2002 में कंपनी ने कितनी सेल की, 4 करोड़। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, ए का ही सेकंड पार्ट है। 2006 में पूछ रहे हैं कि कंपनी ने कितनी सेल्स की, ये है हमारे पास 2006, यहां से ऊपर जाएंगे और फिर यहां पे, तो कितना आ रहा है हमारे पास 8 करोड़। तो सेकंड का आंसर आ रहा है हमारे पास 8 करोड़। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, व्हाट वर द सेल्स इन 2003। 2003 में बताना है कि कितनी सेल हुई है। 2003 कहां पे, यहां पे, तो इससे सीधा ऊपर जाएंगे फिर साइड पे जाएंगे, तो हमारे पास यहां पे आ रहा है। तो यहां पे क्या है हमारे पास, 2-2 का डिफरेंस है, इट मींस जो 1 बॉक्स है वो कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। तो यहां पे हमारे पास 6 है और यहां पे क्या है 8, तो इसके बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2003 में बताना है, तो 6 और 8 के बीच में क्या आ जाएगा 7, तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 7 करोड़। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, 2005 में, यहां पे हमारे पास 2005, तो इससे सीधा ऊपर जाएंगे और फिर साइड पे, यहां पे क्या आ रहा है 10 करोड़, तो इसका सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास 10 करोड़। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 में जितनी सेल्स हुई है उसका डिफरेंस बताना है। हम यहां पे लिख लेते हैं इसका आंसर, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2006 में हमने कितनी सेल्स निकाली है 8 करोड़, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस, और उसके बाद 2002 में कितनी सेल्स निकाली है हमने 4 करोड़, तो दोनों को हम कर देंगे माइनस, तो आंसर आ गया हमारे पास 4 करोड़। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इसमें बताना है कि कौन से ईयर में पिछले साल से मतलब ज्यादा सेल हुई है, किसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है। तो अगर हम 2002 में देखें तो यहाँ पे 4 करोड़ है, और 2003 में कितना है हमारे पास 7 करोड़, तो यहां पे डिफरेंस कितना जा रहा है हमारे पास 3 करोड़ का। नेक्स्ट 2003 में 7 करोड़ है और 2004 में कितना है हमारे पास 6 करोड़, तो यहां पे था हमारे पास 7 और यहां पे 6, मींस यहां पे 1 करोड़ का डिफरेंस है। नेक्स्ट 2004 में था हमारे पास सेल्स 6 करोड़ और 2005 में सेल्स है हमारे पास 10 करोड़, मींस इसमें डिफरेंस है हमारे पास 4 करोड़ का। नेक्स्ट 2005 में 10 करोड़ है और 2006 में कितना है हमारे पास 8 करोड़, तो यहां पे डिफरेंस कितना जा रहा है 2 करोड़ का, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, 2004 और 2005 में, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2005 में सबसे ज्यादा डिफरेंस है प्रीवियस ईयर से। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।